इस वीडियो में आपको बताएंगे 100x100 का रेजर 90। रेजर 90 कुछ इस तरह का मैं बनाएंगे रेजर 90। रेजर 90 भी दो तरीके से बनता है, तो इसमें इस तरीके से बना के दिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको मार्किंग मालूम होना चाहिए और ट्रंकिंग का साइज। ट्रंकिंग का साइज हमारा 100x100 है, मतलब 100x100 mm का है। और इसको सेंटी में अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेंटी में 10-10 cm का हो जाएगा, मतलब 10x10 का हो जाएगा। तो आपको दोनों में बताने की कोशिश की, आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो को ध्यान से देखे, स्किप ना करें, तभी आप सीख पाएंगे। तो इसका सबसे पहले मार्किंग करना है, मार्किंग कितना करना है और किस तरह से इसको मार्किंग करके कटिंग करना है। जितना मार्किंग होता है सारा कटिंग नहीं होता है, इसमें कुछ कटिंग होता है कुछ नहीं होता है। तो जो कटिंग करेंगे और इसको बनाएंगे रेडी करके, कहां पर इसको मैं फिट करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। बस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करें। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दे, न्यू वीडियो आने वाला सबसे पहले आप देख पाएंगे। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा 100x100 mm का ये ट्रंकिंग है। तो इस ट्रंकिंग का ये सीधा हिस्सा है, तो इसको हम बैंड कैसे करेंगे, इसको हम बैंड ये देख सकते हैं, इसको हम इस तरफ से मोड़ेंगे। तो ये जो देख सकते हैं ये चीज़ जो नीचे का चीज़ है, ये चीज़ को मोड़ना है, ये चीज़ को कैसे मोड़ के बनाना वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसका पहले आप मार्किंग समझ लें, इसका मार्किंग कैसे करना है। हाँ मीटर थोड़ा दो, इसको नापो। तो ये देखिए पहला निशान से दूसरा निशान 4 cm, फिर 4 cm, बीच में 8 cm है। ये देख सकते हैं, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे पकड़ो यहाँ से। तो जो हमारा पहला निशान है वहाँ से देख सकते हैं 4 cm लिया, दूसरा भी 4 cm, 8 हो गया। और बीच में हम देख सकते हैं हम 8 cm रखा है, ये देखिए। और फिर इधर 4 cm, और दूसरा भी यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ये भी 4 cm है हमारा, देख सकते हैं। इस तरफ का जो जिस तरह से मार्किंग है, ये हमारा जो 8 cm है वो निशान, ये निशान से ये निशान पे मिलाना है क्रॉस में। ये जिस जैसे ये मार्किंग किया है, इधर से इधर क्रॉस 8 cm, एक निशान छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है क्रॉस का। ओके, यहाँ से यहाँ, और इसका भी सेम इसे क्रॉस करना है। और ये साइड ये हमारा सीधा है, ये साइड का भी दोनों तरफ सेम सेम करना है। इधर भी 4, इधर भी 4, बीच में 8, इधर भी 4, इधर भी 4, ये इस तरह से करना है। तो हम पूरा मार्किंग नहीं खींचा है, फिर भी आपको मार्किंग बताया, इस तरह से करना है। और यहाँ से क्रॉस मारना है, इधर से भी क्रॉस मारना है। ये पीछे का साइड, पीछे देख सकते हैं लिखा भी मैं हूँ 4 cm 4 cm, और बीच में 8 cm और 4 cm 4 cm लेना है। ये पीछे का हिस्सा, और ये हमारा कोरी है, ये कोरी हमारा निकल जाएगा 8 cm, कोरी निकलेगा साइड का, बीच का 8 cm छोड़ के, इधर भी 8 cm कोरी जो है 4 cm का, ये दोनों कोरी निकल जाएगा। जब ये क्रॉस यहाँ से कटिंग होगा तो इधर हमारा कपलर बन जाएगा, इधर भी सेम सेम इस तरफ का भी वैसे ही हो जाएगा। ओके, और इधर हमारा कपलर बनेगा, ये जब कोरी कटेगा और उसके बाद हम इसको यहाँ से काटेंगे, काट के आपको दिखाएंगे। ये भी हम यहाँ से कटिंग करेंगे, एक कोरी चार तरफ से कोरी निकालेंगे, फिर इसको मोड़ के आपको दिखाएंगे। ओके, मन में कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से इसको रगड़ना है, रगड़ के इसको फाइल भी मार सकते हैं, नहीं तो रफ से भी इसको रगड़ने से इसका जो धार इसमें होता है ना कटिंग करने से, वो ख़त्म हो जाएगा। तो वायर आएगा तो नहीं तो वायर कट जाएगा। तो दो पीस बना रहे हैं, कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा, थोड़ा एक मिनट। देख सकते हैं ये दो पीस हमारे पास ट्रंकिंग 100x100 का है,
ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। मार्किंग तो आपको बता ही है, फिर से एक बार बता दूं। पहले साइट का बताता हूँ। साइट का जो हमारा है यहाँ से यहाँ ये 8 सेंटी है, 4-4 सेंटी। तो मैं जो क्रॉस निशान मारा था वो इतना निकाल दिया कि ये कपलर ज़्यादा बड़ा अंदर ना हो, और इधर भी। और पीछे साइड देख सकते हैं 8 सेंटी जो हमारा है ये वो यहाँ से यहाँ तक है, ये 8 सेंटी बाहर रहेगा। और ये कपलर जो है 4 सेंटी काट दिया, 4 सेंटी इसमें रखा हूँ, इधर से कोना दोनों निकाला हूँ। तो ये इसके ऊपर चढ़ेगा, वो आपको अभी मोड़ के दिखाएंगे। इधर भी इस तरह से होगा, देख सकते हैं 4 सेंटी काट के कपलर हटा दिया, 4 सेंटी रखा है, ये इस तरह से देख सकते हैं। ये अंदर को मुड़ेगा, ये इसके अंदर जाएगा। अभी ये इसको उठाएंगे तो अभी इसको फाइल मार रहे हैं, अभी फाइल मार के इसको पहले फिर आपको दिखाएंगे कि कुछ इस तरह है। ओके, सकते हैं इस तरह से फाइल मारना है, अच्छा से फाइल मार लें, वायर ना कटे इसके लिए। पूरा इसी तरीके से हम फाइल मारेंगे दोनों पीस में, इधर वाला पीस जो रेडी है, दोनों पीस में फाइल मार के इसको रेडी करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसको कैसे बाइंड करना है, और किस टाइप का 90 बन रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, कहाँ पर इसको लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ओके, देख सकते हैं इसी तरीके से, देख सकते हैं फाइल मार के रेडी कर चुका हूँ। ओके, अब इसमें मारो, इधर हैमर मारो, जो कपड़ा अंदर जाएगा उधर हैमर मारना है, इधर नहीं इस तरफ मारो। और मारो थोड़ा कस के, इस तरफ भी मारो। हैमर मारने से होता है कपलर अंदर जाने में आराम हो, बस करो इधर। ये हो गया, अब इसको हम इसमें डालेंगे। ये देख सकते हैं एक तरफ से पैर से इसको दबाएंगे और दूसरी तरफ से इसको हम इस तरह से उठाएंगे। ये कपलर अंदर जाना चाहिए, देख सकते हैं इस तरह से गया। ये देखिए, और इधर से भी क्यों नहीं जा रहा है, थोड़ा सा मारना पड़ेगा क्या, थोड़ा सा इधर ठोको, नहीं ज़्यादा अगर मारोगे तो ये प्रॉब्लम होगा, कोई मुश्किल नहीं, बस बस। ऐसे रखो, खड़ा करो इसको इस तरह से, इसको देख सकते हैं इस तरह से, इधर हैमर मार के दबाया, और अभी इसको भी मारेंगे, वो भी आपके सामने ही देख सकते हैं। अब इसमें इसका नट बोल्ट लगेगा, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का, ये 90 है, नीचे रखो थोड़ा, ये देखिए कुछ इस तरह से ये 90 बना है, ये देखिए, ये देख सकते हैं। अब इसमें 6 का नट बोल्ट लगाएंगे, बस रेडी हो गया। हम कुछ इस तरह हॉल मार लेते हैं, हम इससे मार रहे हैं, देख सकते हैं टाइटर से, इससे इस तरह से हॉल मार के इसमें 6 का नट बोल्ट लगाएंगे। नट बोल्ट लगाने के बाद फिर इधर उधर ये नहीं जाएगा, इस तरह से 6 mm का हॉल मार के 6 mm का नट बोल्ट लगा के, 10 का चाबी है देख सकते हैं, इससे हम टाइट करेंगे इसको। ओके, सेंटी जो रखा था वो 8 सेंटी ये वाला है। देख सकते हैं ये 90 रेडी हो चुका है, ये देखिए, ये 8 सेंटी है हमारा, देख
सकते हैं इस तरह से नट बोल्ट लगा के इसको मैं रेडी कर चुका हूँ। ये कुछ इस तरह से इरेजर 90 इसको बोलते हैं। ओके, ये देख सकते हैं इस तरह से, ये अभी ट्रे में ज्वाइंट करेंगे, वो आपको बाद में दिखाएंगे। ये कुछ इस तरह से ये बन के हमारा रेडी हो चुका है, देखिए इस तरह से है। ओके, इसी तरीके से ट्रंकिंग फिटिंग किया जाता है 90 को रेजर 90। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। ओके।